आज फिरोजाबाद में गरीबों के घर चरा बुलडोजर, तोड़ दिए मकान, नहीं मौका दिया गया सामान निकालने का भी। कुछ लोगों का कहना है कि कई वर्षों से रह रहे हैं, जमीन का बैनामा है, फिर भी तोड़ दिया मकान। मकान के पीछे स्थित खेत स्वामी पर प्रशासन से मिल लगाया मकान तोड़वाने का आरोप। योगी सरकार की कहावत नहीं तोड़ा जाएगा मकान फिरोजाबाद में हुआ झूठा साबित। बिन पुरुषों के विधवा रह रही महिलाएं, बिन पिता के बच्चे अपना आशियाना टूटता हुआ देख रो रहे हैं। पूरा मामला शिकोहवाद के मैनपुरी रोड स्थित मांडई गांव का है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। इतना ही बोल सके क्योंकि जो बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, बारिश के टाइम में कहीं बनाए रहेंगे। बोलो तुम भी बोलो, अब बताओ जी फूट गए उतना है कहाँ जाओगे लेके छोटे बच्चों को, ऊपर रोड पे कहाँ है सब। इतना करवा दो बस, इतना हो गया बस। और एक यानी कि दुकान तक की थी कि दुकान खाली करवाने, मुझे हमने खाली करवा दी है, लेकिन ये तो मकान बक्स दो कम से कम। और अचानक से आए ये लोग, ठीक है, अचानक से आए, अचानक से मशीन चला रहे हैं। अब जो था सामान कहाँ जाएगा, ठीक है, और सामान रखने की व्यवस्था भी नहीं है, और किसी का मकान भी नहीं बना, क्योंकि जो कुछ है यही है बस खाली। अंदर कोई मकान नहीं है ना, कोई जायदाद नहीं, जमीन कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है। और इनसे जी तक बोल रहे हैं जहाँ तक की थी वहाँ तक ही लगाओ, आगे ना बढ़ाएं। तो ये लोग क्या अंदर बढ़ा रहे हैं क्या? क्या अंदर नहीं बढ़ा रहे हैं, वो मैं नहीं कह रही अंदर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जगह की बात थी ना, तो वो जगह खाली कर दी है, लेकिन वो जगह खाली कर दी है, उनके पीछे ये क्यों आ रहे हैं मकान, ये मकान तो कम से कम से आए, ये मकान उस जगह के पीछे इनकी जायदाद बैनामा है, और बैनामा जगह भी रहे हैं, तो इनका क्या मतलब उड़ने का, यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं कराया गवर्नमेंट ने यहाँ पे, क्योंकि कुछ साल पहले सन कुछ 50 के समथिंग यहाँ पे ट्रक चढ़ा था, करीबन 12 लोग खत्म हुए थे, उनके बच्चे अब समझदार हुए हैं, बनाने लायक हुए हैं, बनाने लायक अब हुए हैं, तब जो हो रहा है ड्रामा। अब बताओ अब वो बनाएंगे, अब इतनी उम्र के बच्चे हैं, बताओ कहाँ कहाँ बना लेंगे मकान। देखो प्रशासन आया था, कोई नॉलेज नहीं थी पहले प्रशासन ने, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, पहले नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से मशीन आई है। अब बताओ सामान अचानक से खाली कर रहे हैं, कहाँ ले, डिवाइडर बस बारिश का टाइम है, और यानी कि इस वाले घर में कल का 40 माह है, कल की 13 ही है, उसको तो कम से कम हो जाने देते, दो दिन का मोहलत कम से कम देते, बताओ आपके अगर किसी की तेरिंग होता से हो जाएगा ये बताओ, इतना तो कम से कम सोच लेते, किसी की तेरिंग हो जाती दो दिन के बाद करवा लेते खाली, तो कर देते खाली। अभी सामान रिश्तेदार घर में बैठे हुए हैं, अब कहाँ जाएं, बारिश का टाइम है,